हमीरपुर जिला के बड़स्वरूप मंडल के गांव कुल्हेड़ा में प्रताप सिंह की 13 माह की बछड़ी बिना गर्भ धारण किए दुधारू हो गई है, जिससे स्थानीय लोग किसी चमत्कार से कम नहीं समझ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो ऐसे उन्होंने ना तो सुना था ही ना ही देखा था जो पशु बिना गर्भ धारण किए दूध देता हो, लेकिन प्रताप सिंह की बिना गर्भ धारण किए और प्रसव किए सुबह शाम आधा किलो दूध दे रही है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रताप सिंह और उनकी पत्नी रेखा देवी की माने तो उनकी अपने घर की पाली हुई ये बछड़ी है, जिसकी उम्र केवल 13 माह है। 1 सप्ताह पहले बछड़ी के थन अचानक मोटे हो जाते हैं, जिसने पशु चिकित्सक को भी दिखाया जाता है। डॉक्टर ने बछड़ी के थनों को दबाया, जिससे पहले पानी की धार निकली, बाद में थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। अब लगातार ये बछड़ी सुबह शाम दूध दे रही है। हालांकि प्रताप सिंह ने अभी तक इस बछड़ी के दूध का उपयोग नहीं किया है, बल्कि इसे भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाया जा रहा है। सर, हमारी बच्ची जो है अभी 13 महीने की हुई है, और इसने जो इंजेक्शन लिया नास को अभी नए दूध में हुई है, लेकिन दूध दे रही है, हमें बहुत खुशी है। और पहले तो हमने क्या किया कि डॉक्टर को बुलाया, इसके थन सूज गए थे बहुत बड़े, तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर देखा तो उसने इंजेक्शन लगाए, पहले तो इंजेक्शन भी 6-7 लग गए इसको, और उसके बाद फिर दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन वैसे हुआ। फिर उसने बोला कि इसके दूध को नीचे करो, उसको दूध नीचे दूध दो, और फिर इसको हमने किया तो पानी जैसे निकला। उसके बाद पानी तीसरे दिन लिया तो दूध जैसा आया, थोड़ा गिलास में लिया, उसने बोला कि जाको इसको उबालो, फिर हमने दूध को उबाल दिया, दूध को उबाल दिया तो उसे पूरा दूध निकला, तो फिर दूध हमें इसके बारे में जी, मैं इसको ना कोई इंजेक्शन लगा ना सोने वाली भी नहीं थी, 13-14 महीने की बच्ची है, और अचानक इसके थन मोटे मोटे होने लगे और उनसे दूध निकला। हमने दूध निकालना शुरू कर दिया, डॉक्टर को बुलाया पहले तो हमने, तो उन्होंने कहा कि जहर नहीं है ये दूध है, इसको निकाल लो और दोनों टाइम निकालो और उबाल कर देख लो। तो फिर उबाल कर देख लिया हमने, ऐसा हमने कहीं भी पहले नहीं सुना था, और अच्छा लग रहा है, दे रही है, एक गिलास सुबह दे देती है, एक शाम को दे देती है। ग्रामीण 80 वर्षीय शक्तिचंद और प्यारचंद की माने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि पशु बिना गर्भ धारण किए और प्रसव किए दूध देता हो, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह की 13 माह की बछड़ी बिना प्रसव और गर्भ धारण किए दूध दे रही है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा ये तो कभी आज तक सुना ही नहीं था, पहले कभी हुआ नहीं, ना कभी देखा। हमारी इतनी उम्र हो गई 80 साल के करीब, हमारे आसपास में कहीं भी ऐसी कोई गाय या भैंस कोई ऐसी नहीं देखी जो बिना टीके ही दूध दे, आज तक तो कभी हुआ नहीं ऐसा। या चंबा या डॉक्टर भी देख रहे हैं, सारे हैरान है कि आप इस तरह का है, ये जानवर कैसे हो गए, गाय को क्या हुआ, इसको बच्ची अभी 1.5 साल की है, कोई टीका नहीं लगा कुछ नहीं, और अभी ठीक है, सेहत ठीक है, खाना पीना ठीक है, उसी वजह से हो रहा होगा कुछ ऐसा। साहब ये तो हमने पहली बार देखा, अचानक जो बच्ची है वो 13 महीने की है नहीं, ना कभी हमने सुना था ना कभी हमने देखा था, ना गाय कभी, ना गाय ने टीका लिया है ना कभी सुई है। वहीं इस मुद्दे पर चैनल ने वरिष्ठ पशु चिकित्सक KL शर्मा से जब बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ पशुओं के हार्मोन में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण पशु बिना गर्भ धारण के ही दूध देना शुरू कर देता है। प्रताप सिंह की बछड़ी भी ऐसे पशुओं में से एक है जो दूध दे रही है। डॉक्टर KL शर्मा ने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि जो पशु ऐसे दुधारू हो जाते हैं उनके दूध को 4 या 5 दिन उपयोग ना करें, उसके बाद दूध का प्रयोग करें, उसके उपयोग से कोई हानि नहीं होती है। कुल्हेड़ा में वो बिना बच्चा दिए दूध दे रही, तो इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं। अभी अभी लेटेस्ट एक केस हमें भारत में मिला है। ये जितने इस तरह के केसेस होते हैं ये एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो दूध देने की जो प्रोसेस है
वो टोटल हार्मोन के कंट्रोल में होती है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है उस दौरान जब बच्चा देने के समय ये जो दूध वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होते हैं, अगर वही हार्मोन किसी भी पशु में जो कि गर्भ नहीं है प्रेग्नेंट नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन में किसी और एनिमल में ये जो हार्मोन्स हैं जो दूध पैदा करते हैं, अगर ये हार्मोन उस पशु में बिना प्रेगनेंसी के ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाएं तो मिल्क लेट डाउन हो जाता है, दूध जो है वो आना शुरू हो जाता है। उसमें ऐसी परिस्थिति में हम जो हमारे पशुपालक हैं उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप दूध उसका निकालें कुछ टाइम के लिए, एक हफ्ते के लिए उसको दूध दोनों टाइम दूध निकालें और उसको फेंक दें और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल मिल्क होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पशु जिसके बच्चा नहीं हुआ है अगर वो दूध दे रहा है तो वो दूध अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है। बहरहाल जो भी बात कहें, ये चाहे चमत्कार है चाहे हार्मोन की बात है, लेकिन क्षेत्र में इस बात को लेकर काफ़ी सनसनी है और लोग भी इस बछड़ी को देखने पहुंच रहे हैं।